गाइज, वीवो ने पहली बार अपना एक फोन अनाउंस किया है जिसमें आपको मिल रहा है एक्सिनोस प्रोसेसर, जिसको सैमसंग मैन्युफैक्चर एंड यूज करता है अपने डिवाइसेस में। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं वीवो Y70s के बारे में। तो आगे चलकर इस वीडियो में आज जानने वाले हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस, इसका प्राइस एंड इसकी रिलीज डेट जो की होगी इंडिया की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रयास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बियॉन्ड स्क्रीन। तो गाइज, ये फोन चाइना में लॉन्च हो चुका है और इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी चाइना में 1 जून से। हालांकि इंडिया में ये काफी टाइम बाद आने वाला है, यानी कि फोन आपको अगस्त में मिलेगा और इस फोन के रिलीज होने की डेट एक्सपेक्ट की जा रही है 14 अप्रैल 2020। तो अब बात करते हैं वीवो Y70 के डिजाइन एंड बॉडी के बारे में। गाइस, इस फोन का वेट होगा 190 ग्राम, साथ ही इसकी थिकनेस आपको मिल जाती है 8.5 mm की। साथ ही आपको स्क्रीन में किसी भी तरह की कोई नोच नहीं मिलेगी और फ्रंट कैमरे का टाइप होने वाला है वाटर ड्रॉप। अब बात आती है इसकी डिस्प्ले की। तो गाइस, इस फोन में आपको मिलने वाली है 6.53 इंचेस की IPS LED टच स्क्रीन, साथ ही आपको मिलने वाली है 16 मिलियन कलर्स की डेप्थ और इसका रिजोल्यूशन होगा 1080x2340 pixels का। साथ ही में आपको मिलने वाली है 395 PPI की पिक्सल डेंसिटी और 84.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी आपको इसकी डिस्प्ले में मिलने वाला है। तो अब बात आती है इसकी एक हाइलाइटेड चीज, यानी कि इसके प्रोसेसर की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक्सिनोस 880 वाला प्रोसेसर, साथ ही आपको मिलने वाला है माली G76 का GPU। उसका प्रोसेसर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। साथ ही में इस फोन में आपको मिलने वाला है एंड्रॉइड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ ही आपको मिलने वाला है फनटच 10.0 का यूजर इंटरफेस। अब प्रोसेसर के बाद बात आती है इसकी स्टोरेज की। तो गाइस, इस फोन में आपको मिलने वाली है 8GB RAM प्लस 128GB की इंटरनल स्टोरेज, साथ ही आपको एक्सटर्नल कार्ड स्लॉट नहीं मिलता जिसकी वजह से आप इसकी इंटरनल स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। और इसकी इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको मिलने वाला है यूनिवर्सल फास्ट स्टोरेज 2.1 का सपोर्ट। तो ये बात इस फोन के कैमराज की। बैक साइड में आपको मिलने वाला है ट्रिपल कैमरा सेटअप, यानी ये 3 कैमरे बैक साइड में आपको मिलने वाले हैं, जो कि होंगे 48 MP का वाइड एंगल कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 2 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा, जो कि आपको पोर्ट्रेट शॉट्स लेने में हेल्प करेगा। साथ ही कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है 4K वीडियो एट 30 फ्रेम पर सेकंड। साथ ही इसके आपको मिलने वाली है LED फ्लैश, HDR एंड पैरानोमा जैसे फीचर्स। बात करते हैं इसकी सेल्फी कैमरे की। तो इसमें आपको मिलने वाला है 16 MP का वाइड एंगल कैमरा, जो कि रिकॉर्ड कर सकता है 1080p की वीडियो एट 30 फ्रेम पर सेकंड। साथ ही इसमें आपको 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिलने वाला है और इस फोन में आपको 5G का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो अब बात आती है इसकी बैटरी की। तो इस फोन में आपको मिलने वाली है 4500mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी, जो कि फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है 18 वोल्ट की। और ये फोन आपको 3 डिफरेंट कलर्स में मिलने वाला है, जो कि होंगे फॉग इल्यूजन, स्टारिंग ब्लू एंड मून शेडो ब्लैक। तो गाइस, लास्ट में बात आती है इसके प्राइस की। तो इस फोन का इंडिया में प्राइस होगा अप्रोक्स 22,000 Indian rupees। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई गैजेट के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।